हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सिखाऊंगा बुकरम का मोचा बनाना। तो ये मैंने एक पट्टी काटी है बुकरम की, जो कि 2 इंच से थोड़ी सी कम है, 2.25 इंच के आसपास है। ठीक है। और ये मैंने कपड़ा लिया है, कपड़े की चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच के आसपास, 3.5-4 इंच के आसपास मैंने कपड़े की चौड़ाई ली है। अब मैं इस कपड़े पर ये बुकरम चिपकाऊँगा। चिपकाने से पहले हम पहले कपड़े का ये देख लेते हैं, कपड़ा हमारा जो सलवार का पहुंचा है उससे 2 इंच इधर बाहर निकलना चाहिए और 2 इंच इस तरफ बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम पहुंचा बनाते हैं, जब तैयार होता है पहुंचा, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। अब ये मैं बुकरम कपड़े पर अटैच करूँगा। पहले हम इस तरह से ये सिलाई लगा लेंगे, इतना आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये मैंने दूसरा कपड़ा उठाया, दूसरे कपड़े पर भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। सिलाई लगने के बाद अब जो ये ऊपर इस तरह से कपड़े को ऐसे रखना है, और ये दोबारा सिलाई लगाते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर दिया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे। इसके 2 टुकड़े कर लेंगे। पहले वाले पोंचे को उठाएंगे और 2 इंच बाहर निकालते हुए सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए जो नीचे का कपड़ा है वो हल्का, हाँ हल्का सा खींचना है, क्योंकि नीचे वाले कपड़े को, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचना है, जिससे हमारा बट नहीं आए, चुन्नट वगैरह नहीं आए। मैंने दूसरे पे भी लगा ली इसी तरह से सिलाई। सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से इसको ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे एक पैर की। जो हमारा एक मशीन का एक पैर होता है ना, बूट का पैर होता है, उसके आईडिया से हमें एक पैर की सिलाई लगानी होती है। कभी कपड़े को इस तरह से ऐसे नहीं पकड़ना है, सीधा अच्छे हाथ से सीधा पकड़ना है, इस तरह से हल्का ऊपर की तरफ ले जाते हुए। दूसरे पांचे को एक साथ जोड़ते हुए हम पोंचा बनाएंगे और एक पैर की सिलाई दोबारा फिर लगाएंगे। दोनों बराबर सिलाई होनी चाहिए। दोनों पैंचे में बराबर सिलाई लगने के बाद 2 लाइन हमारी लग चुकी हैं। उसके बाद
हमें पांचे को पलट लेना है। पलटने के बाद जो पांचे का जो लास्ट की सिलाई होती है उसे हमें लगाना है। मैं आपको ये पलट कर मैं सिलाई इसलिए लगा रहा हूँ कि आप आसानी से लगा लेंगे। जो बिगनर होते हैं उन्हें सीधी तरफ से सिलाई लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो अगर इस तरह से लगाएंगे तो आराम से पोंछा बन जाएगा उनका। बाकी जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो सीधी तरफ से सिलाई लगाते हैं तो उनकी बिल्कुल सही सिलाई लगती है, कहीं इधर पांचे से नीचे उतरती नहीं है उनकी, क्योंकि उनको आइडिया होता है। तो मैं आपको समझाने की वजह से आपको ये सिलाई इस तरह से लगा रहा हूँ। ये लग चुकी है हमारी सिलाई। सिलाई लगने के बाद फ्रंट पर देखा, सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से लगी है। उसके बाद हम एक पैर की सिलाई यहाँ पर इस सिलाई से लगाएंगे। जैसे हमने दो लाइन नीचे बनाई है उसी तरह से दो लाइन हम ऊपर भी बनाएंगे। ओ सॉरी उसके बाद नीचे एक लपकी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद लहरिया बनानी है, डालनी है हमें। तो अपने हाथ को थोड़ा तेजी से टर्न करना है और मशीन को एक बराबर चलाना है, एक जैसी स्पीड में चलाना है। ऐसा नहीं कि कम या ज़्यादा स्पीड में चलाना हो, एक ही स्पीड में मशीन को चलाना है और अपने हाथ को थोड़ा तेज इस तरह से मूव करते रहना है। अभी जो बीच की लाइन है वो थोड़ी चौड़ी होती है तो उसमें हम इस तरह से थोड़ी बड़ी लहरिया डालेंगे। ये देखिए कितनी सफाई से लहरिया डली हुई है। अब ये जो बड़े हमारे डॉट हैं, अब ये जो पीछे का बूट है हल्के हाथों से उठाना है और इस तरह से बीच में कोई भी डिज़ाइन जो आपको आता हो जिसमें आपका हाथ सेट हो वो आप डिज़ाइन यहाँ डाल सकते हैं। और शुरू में आप डिज़ाइन नहीं भी डाल पाएँ तो बीच में आप जैसे आपने नीचे एक लहरिया मारी है वैसे लहरिया भी डाल सकते हो। ये देखो ये डिज़ाइन डल गया बीच का। बूट को हल्के हाथों से उठाना है हल्का सा, और जैसे ही जैसे मर्जी आप मूव करोगे हाथ को वैसा ही डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखो अब बीच का डिज़ाइन बन चुका है। अब हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ लहरिया डालनी है जैसे हमने नीचे लहरिया डाली थी। ये हमारी लहरिया डल चुकी है और हमारा ये पोंचा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। ये डिज़ाइन भी डल गया, लहरिया भी डल गई। अब इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे, इस तरह से। अब इसकी साइड की जुड़ाई करेंगे पोंचे को दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए। सिलाई से सिलाई मिलाएंगे, और जितना हमारा पोंचा है उसको मेज़र करते हुए 14 इंच का पोंचा है तो 7 इंच पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे या पक्का करेंगे हल्का। और हल इस तरह से सिलाई लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे।
आसन तक सिलाई लगानी है, उसके बाद दूसरा पैर पाँचा उठाना है और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए मेज़र करेंगे 14 इंच, यहाँ हल्का सा पक्का करते हुए तिरछी सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई नहीं लगानी, तिरछी सिलाई लगानी है। इस तरह से ऐसे। अब ये एक्स्ट्रा जो मार्जिन है पाँचे का, वो उसको कटिंग कर देंगे, करीब आधा या 1.5 इंच के आसपास में सिर्फ मार्जिन छोड़ेंगे। इसको हल्के ऐसे खींच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ओरेप कपड़ा होता है तो सिलाई कई बार सिलाई लगाने के बाद हल्की सी सिलाई ऐसे खींचने से टूटती है। अब इस तरह से आप सिलाई दूसरी लगाएंगे तो वो पक्की मजबूती आ जाएगी, उसके बाद नहीं टूटेगी। और एक कपड़े पर सिलाई लगाते हुए पीछे से आप ज़रूर खींचें, यहाँ पर इस तरह ऐसे। ये देखो दोस्तों, सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ। ये देखिए पोछा बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना प्लीज़।